तो सारी दुनिया के करोड़ों लोगों के अनुभव का निचोड़ आपके सामने रखूंगा। ऐसे अनुभव आपको सुनाएंगे कि जिससे लोगों को कैसा कैसा फायदा मिला है। हम सब जानते हैं आयुर्वेद हो, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, कोई भी थेरेपी, एक भी रोग लोगों के नहीं जाते, रोग बढ़ते जाते हैं, केवल दबा देते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जो दबा हुआ है वो एक से अनेक होकर बाहर आते हैं। अनुभव सुनने से क्या लाभ मिलेगा हमें कि हमारा हौसला बढ़ेगा कि ऐसे ऐसे लास्ट स्टेज के कैंसर, डॉक्टर ने जवाब दिया था कि अब आप 3-4 घंटे के मेहमान हो, कुछ दिनों के मेहमान हो, वो भी आज 15-20 साल से जी रहे हैं, 10 साल से उनके अपने परिवार का है, उनके माता पिता का है, उनके भाई का है। शॉर्ट में हम उनसे जानेंगे कि कुसुम्बेन, आपने जो ये सिस्टम जो मैं समझाने जा रहा हूँ, ये अपनाने से आपको क्या फायदा हुआ? फायदे तो बहुत ज़्यादा हुए हैं कि अभी हमको कोई बीमारी तो नहीं है, ऐसे ही करते हैं, पर कभी हमको दवाखाने जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। कितने साल से? 10 साल हो गए। देखो, 10 साल से हॉस्पिटल नहीं गए। हाँ, बेटी 20 साल की, एक 18 साल की है और एक 16 साल का है। देखो आई, और उनको कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है। ओके, तो आपके पतिदेव को क्या फायदा हुआ? उसको ज्यादा फायदा हुआ, उसने 3 महीने तक उसको जूस पिलाया था, सभी पत्ते का, जो निमड़े का आता है, सभी वो सफेद आंकड़ा आता है उसका जूस, जो आप सीतामढ़ी के पान होते हैं उसका जूस, 5-5 लीटर सारे दिन में, और एनिमा 2 दिन, 2 टाइम, पीपल पत्तिया, ए सारे पत्ते आ जाते हैं। हाँ, सारे पत्ते का ही जूस, ग्रास, घास। ओके, तो इससे क्या फायदा हुआ? उसको फायदा समझ लो कि कोई भी जो ये वर्ल्ड में कोई भी जो रोग है वो रोग चला जाता है। कोई भी, देखो कोई भी जो डॉक्टर तो शंका नहीं करना है, बिल्कुल कोई भी बड़ा रोग, कैंसर है वो, कोई भी छोटा हो या बड़ा, और नहीं है तो नहीं आएगा। और मेरा बच्चा 10 साल से वो कर रहा है, 10 साल से भी ज़्यादा हम कर रहा है, हमने एक टाइम भी उसने पोस नहीं किया कि तुम ये करो, और 10 साल से भी ज़्यादा नॉन स्टॉप एक दिन भी उसने कोई मिस नहीं किया है, कभी सुबह का नाश्ता नहीं किया है, दोपहर को खाना नहीं खाया है, बस सुबह 11 बजे के बाद जूस पीना, और दोपहर को बस थोड़ा बस फ्रूट स्लाइड सब खाना, और शाम को ये जो हम आपको सिस्टम बताएंगे वो सिस्टम फॉलो करते हैं सारा परिवार। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जो जो किसी को दिमाग में बैठेगा तो करना, कोई भी रोग हो या ना हो वो छोड़ दो, लेकिन अंदर जो भी कितना भी रोग जो कोई भी होता है तो चला जाएगा, नहीं होगा तो कोई भी रोग आएगा नहीं। आप पूरी तरह से हेल्थी जिएंगे, एक दिन भी हॉस्पिटल की एक दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, वो मेरी गारंटी है। क्योंकि मेरा साला 25 साल से पहले वो इंडिया जामनगर में गुजरात में है, उसमें 25 साल पहले उसको थायराइड था, डायबिटीज था, सब कुछ समझाया था, वो सुसाइड करने वाले थे, और जो बताया बहुत सारी बीमारियां थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, आज भी वो जिंदा है नहीं, बहुत हेल्थी है, और औरों को जीवन दान देते हैं। आपके माता पिता के अनुभव? मेरी मम्मी को था, वो बीटी था, वो ये प्रथा स्टार्ट की तो उसका चला गया, वो भी अभी कुछ नहीं, दवा का कुछ नहीं है उसको भी। पापा का एटेक आया था, उसको दवा से बहुत प्रॉब्लम था पीने के लिए, तो वो बोलते दवा नहीं पीनी है मुझे। अच्छा, किसी को प्रथा अपनाओ, दवा मत पियो। किसी का डायबिटीज ठीक हुआ? हाँ, मेरे भैया को हुआ था। हाँ, ओके, उसका चला गया। किसका वेट कम हुआ? हाँ, वेट भी कम हो जाता है, जिसका देखो वेट नहीं होता उसका बढ़ जाता है। देखो, वेट कम है, ज्यादा होता है, तकलीफ वो भी अच्छी हो जाती है, और प्रेगनेंसी भी अच्छी हो जाती है इसमें। ये सारे खुद के अनुभव है, गुस्सा नहीं आता, मन शांत रहता है, गुस्सा भी नहीं आता आपको, मन स्थिर रह जाता है। ये अपने खुद के अनुभव है, अपने परिवार के हैं, मायके के, ससुराल के, सारे, यानी सारी दुनिया में वो ही है जिसको जो भी रोग है। यहाँ आपने देख लिया
हाँ कितने कितने रोग थे और सुसाइड है, औरों को जीवन दान दे रहे हैं। तो कुसुम बहन, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो अब ये तो ठीक है, हमें कुछ होता है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो अब डॉक्टर का भी अनुभव सुन लेते हैं। जो नेचुरोपैथ डॉक्टर है सरिता बेन, नेचुरोपैथ डॉक्टर, आप फोन लगाएंगे, राम भाई खूंटी, हाँ सरिता बेन आप वो लगाओ। हाँ तो मेरा क्या कहना है, क्यों ये आपको अनुभव सुनाते, उनके अनुभव सुनने से हमें कोई सीधा फायदा भी मिलने वाला नहीं है, लेकिन हमारा हौसला बढ़ेगा कि डॉक्टर भी ये करते हैं। और डॉक्टर क्या कहते हैं, कोई भी डॉक्टर का रोग गया नहीं, हाँ जो खुद पढ़े, आप में से भी शायद कोई डॉक्टर हो सकते हैं, नहीं तो हमारे रिश्तेदार तो डॉक्टर्स है ही, चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर हो सारी दुनिया में, कितना भी बड़ा वैद्य हो, कितना भी बड़ा योगाचार्य हो, धर्माचार्य हो, हर कोई रोगी है और कोई अपने रोग हटा नहीं सकते। रोग हटाने के लिए अल्टीमेट जो हमें मिला है ये प्रभु का रास्ता है, गॉड गिवन। तो आ गई लाइन पे, ओके, वो लग सके या ऐसे लगाना पड़ेगा, वो कॉर्ड लगने से ऐसे, हाँ ओके यहाँ, हाँ जी प्रणाम, नमस्ते। देखो यहाँ मेहर समाज में सेमिनार शुरू हो चुका है और हर कोई आपको सुनने के लिए आतुर है। आप जरा आपका शॉर्ट में परिचय, मोबाइल नंबर और अनुभव एकदम शॉर्ट में देना है, क्योंकि एक घंटा कितने समय से? अभी एक साल हो गया, एकदम टोटली फ्री हो गए। ओके। तो मतलब करीब करीब आप बोल सकते 7-8 महीने में मैं पूरी फ्री हो गई, जैसे न्यू डाइट सिस्टम शुरू किया और 7-8 महीने में मैं पूरी क्लियर हो गई। और मेरे पिताजी और माताजी मेरे साथ रहते हैं, कोरोना उनको हुआ था तब से मेरे पास है। मेरे पिताजी 92 ईयर्स ओल्ड हैं, उनको भी दवाइयाँ बहुत लेते थे, उनको घुटनों में दर्द, पैरों में सूजन आना और बहुत, वो कफ प्रकृति है तो कफ बहुत होता था उनको, और इतना क्रॉनिक कफ हुआ था कि छाती में वो ड्राई कफ होके वो खांसते थे, वो निकालने के लिए बहुत ट्राई करते थे लेकिन निकलता नहीं था, तो उनका वो आवाज़ सुन के हाँ हाँ ऐसे आवाज़ करते थे, वो सुन के हमें ऐसे लगता था अरे बाप रे अभी खून आएगा क्या मुँह से, ऐसे लगता था, इतना डर लगता था, लेकिन वो कफ नहीं निकलता था। ये तीन जो प्रॉब्लम्स है उनको एलोपैथी से, आयुर्वेदा से, पंचकर्मा से, किसी भी तरीके से, होम्योपैथी से भी, योगा से, प्राणायाम से, किसी भी तरीके से वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो जैसे ही न्यू डाइट सिस्टम
थिंग शुरू किया, निर्जला, एनिमा, ये सब जैसे शुरू किया, तो मिरेक्युलसली उनके शरीर में से हर एक सेल से कफ पूरा टॉक्सिन्स निकल के और जहाँ से मार्ग है वो सभी मार्गों से कफ बाहर निकलना शुरू हो गया। मतलब उनको पसीने में बहुत बदबू आने लगी, आंखों में गंदगी आने लगी, नाक से बहने लगा, फिर गले से लंप आने लगे कफ के, कटोरी टू कटोरी बन के टॉयलेट से होता रहेगा उनको भी। इस प्रकार से पूरे शरीर से एक हफ्ते तक वो चालू रहा पूरा, और फिर वो क्लियर हो गए पूरी तरीके से। फिर पैरों की सूजन भी उनकी चली जाती गई, घुटनों में दर्द तो कब का गायब हो गया। फिर मेरी माता जी जो 82 इंजेक्शन बिल्कुल नहीं हुआ, उसको कान में भी होता था और पैरों में भी होता था, वो चिकटी बोलते हैं ना उंगलियों के बीच में आते हैं, वो फंगल इन्फेक्शन साथ साथ दोनों तरफ होता था। तो ये मौसम में, इवन गए मौसम में भी नहीं हुआ था, ये मौसम में भी नहीं हुआ है बिल्कुल। तो उनकी भी दवाई छूट गई है, वो दोनों भी मस्त जी रहे हैं एकदम मजे में, और साइकिल वगैरह भी चलाते हैं घर में, साइकिल जिम वाला, मतलब एक्टिव है, कहने का मतलब वो एक्टिव है, वॉकिंग वगैरह सब करते हैं, मजे में जीते हैं। अभी मेरा एक अनुभव बताऊँ तो मैं 61 ईयर्स ओल्ड हूँ। हाँ, मेरे पिंडवा मेरा तो पूरा बता दिया, और भी बहुत डिटेल है लेकिन अभी समय कम है। और दो मैं एग्जांपल दो दो लाइन में बताना चाहती हूँ। एक लड़की जो 52 ईयर्स ओल्ड है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में थी तब से उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया था, वो तो अभी 8 साल से वो स्टीरॉइड्स और इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स ले रही थी, उसकी साइड इफेक्ट के उसके पूरे दांत पूरे खराब हो गए पूरे, और दांत का ट्रीटमेंट करने के लिए मेरे पास आई थी जो मेरी बेटी डेंटिस्ट है उसके पास। तो जब भी पता चला कि अरे बाप रे ये इतनी डेंजरस दवाइयाँ वो तो करना शुरू कर दिया, और अभी वो कंटिन्यू कर रही हैं, और मैंने उसको बोला कि अभी धीरे धीरे निर्जला का ड्यूरेशन बढ़ा दे, क्योंकि उसकी सब उंगलियाँ वगैरह थोड़ी टेढ़ी हो गई है, सूजन आई है, वो सब निकलने के लिए थोड़ा समय लगेगा, तो अच्छे से फॉलो करने के लिए उसको कहा है, वो कर रही है। और एक जवान लड़की जो शादी हुई है 33 ईयर्स ओल्ड है, उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ, यानी ब्रेन में लीजन्स हो जाते, जख्म हो जाते ब्रेन में, तो ब्रेन का वो पार्ट जहाँ पर जख्म हुआ है वो जिसको कंट्रोल करता है वो पार्ट में उसको तकलीफ होती है, तकलीफ मतलब वो वीक हो जाता है, तो उसके पैरों में वीकनेस बहुत थी, पैर कांपने लगते थे उसको, थोड़ा भी 10 फुट दूरी चलने के लिए भी 4-5 मिनट लगते थे। उसको हर 3 महीने में MRI रिपोर्ट निकाल के देखते थे डॉक्टर, अगर न्यू लीजन्स है तो फिर उनको उसको इंजेक्शन देते थे, ऐसा उसका चालू था 2-4 साल से। तो वो मेरे पास क्रेनियोसेक्रल थेरेपी करने के लिए आई थी, मैं क्रेनियोसेक्रल थेरेपिस्ट भी हूँ, तो मैंने उसको पूरी तरह न्यूडाइट सिस्टम तुम करो, तुम्हारी अभी भी शादी हुई है, बच्चे वगैरह होने वाले हैं, पूरी तुम्हारी जिंदगी आगे है, वो खुद बहुत पढ़ी लिखी हुई है, PhD है बायोटेक्नोलॉजी में, तो लेकिन वो कुछ भी जॉब नहीं कर पा रही थी, गर्मी बैठे बैठे ट्यूशन ले रही थी, तो उसको पूरा समझाया, उसने फॉलो करना शुरू किया, और लकीली 15 दिन के बाद उसका शेड्यूल था MRI का, उसने MRI कराया और डॉक्टर एकदम आश्चर्यचकित हो गए, वो बोले कि ऐसा रिपोर्ट आपका कभी नहीं आया है, नए लीजन्स बने नहीं है तुम्हारे ब्रेन में, तो आपको अभी इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी बहुत खुश हो गए, डॉक्टर भी खुश हो गए, और मैंने उसको कहा ऐसे ही चालू रखना, निर्जला को बढ़ाते जाना, गाइडेंस लेते रहना, तो तुम्हारे पूरे लीजन बनके चले जाएंगे, तुम पूरी नॉर्मल हो जाओगे। इस प्रकार से ये 2-4 क्लास के बाकी छोटे मोटे चीज़ें जो है, वजन कम करना, थायराइड वगैरह का इशू, ये छोटी मोटी चीज़ें तो होते रहती है, सबकी ठीक हो ही जाती है। तो मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ जवान गुरुजी की, कुछ आप पूछो ही मत। एक दिन भी ऐसे जैसे कुछ मैं साफ सफाई कर रही थी, ऑयल का बॉटल दिखा मुझे, लगा अरे वाह वाह ऑयल के मसाज से मुझे छुटकारा मिल गया, मतलब पल पल पे ऐसे लगता है कि अरे वाह इससे छुटकारा मिल गया, उससे छुटकारा मिल गया, मतलब इतनी फ्रीडम महसूस हो रही है अभी,
और एक बात है कि दादू भाई सावलिया जी के पिताजी का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने सुना और वो मेरे माता पिता को सुनाया, वो दोनों का भी आध्यात्मिक इंक्लिनेशन है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, तो उनको बताया देखो उनका कैसे जागृत मृत्यु आया, इस प्रकार से जागृत मृत्यु आना ये अच्छा है, तो उनको ये बहुत अपील हुआ और उनकी भी वैसी इच्छा है और मेरी भी वैसी इच्छा है। और मैं सबको बताते रहती हूँ कि तुम्हें अभी जैसे मैं डॉक्टर हूँ, नेचुरोपैथ हूँ और पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी भी है, ब्रेन एंड सेक्रल थेरेपिस्ट भी हूँ, तो मेरे पास पेशेंट आते रहते हैं, तो मैं डायरेक्टली उनको बोलती हूँ तुमको मरते दम तक इंडिपेंडेंट जीना है क्या, ना दवाइयों के ऊपर और डॉक्टर के चक्कर काटते हुए और दूसरों की सेवा जिसे ओके सरिता जी, डॉक्टर सरिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आपकी आपके ये अनुभव सुनकर बहुत सारे लोगों के हौसले बढ़ जाएंगे और एक खुद उनको प्रेरणा मिलेगी, वो करेंगे, उनको भी फायदा होगा, तो उनकी जो आशीर्वाद आपको मिलेगी, ये बहुत बड़ी उम्दा सेवा आपने की है। फिर से आपको शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद, आभार। थैंक यू, आप सभी को भी शुक्रिया धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं, न्यू डाइट सिस्टम में आप आगे चलते रहिए और अच्छे से सुखी जीवन जिए। ओके थैंक यू। मोर देन 5000 डॉक्टर तैयार किए हैं, ऐसे डॉक्टर वो क्या कहते हैं, उनका अनुभव क्या है। आप जब ये NDS न्यू डाइट सिस्टम सुनते हैं ये उनके मुंह से, तो ये क्या है जो हम आज आपको समझाएंगे, उस ये सिस्टम का नाम हमने दिया है न्यू डाइट सिस्टम, NDS नई भोजन प्रथा। तो अब हम डॉक्टर शंकर होतचंदानी, हाँ आप हुकम करो, हाँ आप बताइए, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है आज। कितना टाइम है आपका जी, वही बोलिए मेरे को। हाँ जी बताइए, कितना टाइम है मेरे लिए? आप वैसे आपको ठीक लगे, लेकिन कम से कम जितना आपको ठीक लगे। हाँ हाँ चलेगा चलेगा, विल डू विल डू, चलेगा। कितने पार्टिसिपेंट आए आज? पार्टिसिपेंट लगते हैं 100। ओ नमस्कार, हाँ बताने प्रणाम, हिंदी के गुजराती? हिंदी हिंदी। आप सबको प्रणाम और नमस्कार, आप बहुत नसीब वाले हैं, चौहान सर आपके पास आए हैं, जिनका भी बहुत नसीब अच्छा होता है उनको चौहान साहब जल्दी जल्दी मिल जाते हैं, और आप सब बहुत बहुत लकी आदमी है। चौहान साहब हमारे ही डॉक्टर है, याद रखना। एक सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं भले मेडिकल कॉलेज का डीन रहा, प्रोफेसर रहा, और मैंने बहुत सारे डॉक्टर पैदा किए, पर मेरे डॉक्टर चौहान सर है आज की तारीख में। मेरे को कुछ भी होता है तो मैं दवाई नहीं लेता हूँ, पर चौहान सर को फोन करता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि चौहान साहब की ये जो NDS है कितनी पावरफुल है, और NDS का प्रताप तो आप सब चौहान सर में देख ही सकते हैं। ये उम्र में रोज शिविर करना और इंडिया से US, US से लंदन ट्रैवल करना, ये सब NDS का ही प्रताप है। तो आप NDS में बिल्कुल डाउट मत कीजिए। मैं आपको बता दूं कि इस चीज से आपकी एनर्जी इतनी बढ़ेगी, ठीक रहोगे, बिल्कुल डलनेस लाइफ में से चली जाएगी, और ये जो डाइट है वो इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है। तो आपको मालूम है इम्यूनिटी जिसकी अच्छी होती है वो तो बीमार होता ही नहीं है, तो ये सबसे वेपन है चौहान साहब का बीमारी को दूर रखने का। तो जिसको भी कोई भी बीमारी है NDS से आप बिल्कुल उससे छुटकारा पा सकोगे और भविष्य में कोई बीमारी आपके पास आएगी नहीं। इतनी सिंपल है, इतनी इजी है, आपके किचन में ही आपका डॉक्टर है, समझो आपका मेडिकल स्टोर आपका किचन ही हो जाएगा।
आपकी वेजिटेबल शॉप, फ्रूट शॉप, वही मेडिकल शॉप है, और आप खुद के डॉक्टर भी बन जाओगे। एक साल के बाद जब चौहान साहब वापिस आएंगे, आप सब बोलेंगे कि सर हमको कोई बीमारी नहीं है, हम सब स्वस्थ हो गए हैं, और ये जिंदगी भर चालू रखेंगे। तो आज चौहान साहब आए आपके वहाँ, आप अराउंड 100 आए इंटरेस्टिंग पर्सन, तो शुरू कीजिए, आराम से सुनिए चौहान साहब को, कल से डाइट अपना यही शुरू करिए। सबसे पहले तो चाय छोड़ दीजिए, चाय ग्रीन जूस पियेंगे तो बाकी का काम शुरू हो जाएगा। तो बहुत सिंपल प्रिस्क्रिप्शन है, बहुत सिंपल चीजें है, डॉक्टर से दूर रहने का, बीमारियों से दूर रहने का। सब जानते हैं कि कोरोना का कितना कहर चला था, सारी दुनिया थम गई थी, हिल गई थी, और कितने सारे हमारे रिश्तेदार भी इसकी चपेट में आ गए, मौत हो गई, और सारी दुनिया डर गई थी। तो यहाँ जिस जिस लोगों ने ये जो मैं सिस्टम आपको बताने जा रहा हूँ फॉलो की है, हमने 31 साल से फॉलो की है, जिसने जब से फॉलो की है किसी की मौत कोरोना से नहीं हुई है, किसी एक की भी करोड़ों में से। तो ऐसा एक केस में जहां डॉक्टर ने कोरोना हो गया था वो NDS फॉलो नहीं करते थे, और वो डॉक्टरों ने बता दिया था कि ये जीने वाले नहीं हैं, मर जाएंगे, ऐसा भी एक अनुभव आपको सुना दूँ। तो हाँ जी हिना बहन हाँ साहेब, हाँ हमें अनुभव संभळावो। अहीं मेर समाज लेस्टर में ज्या तमारी दीकरी रहे छे, ए लेस्टर में साल से 2019 से मैं ये कर रही हूँ NDS, और मुझे ज्यादा बीमारी नहीं थी, थोड़ी बहुत ही थी, घुटनों में दर्द था थोड़ा बहुत, और मैंने ये शुरू कर दिया NDS, और आज तक शुरू है मेरा NDS, और बहुत अच्छा है ये NDS। कोई मैं 5 साल से मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, और एक भी टेबलेट मैंने देखो पांच या कुछ ए बेंजी है, हिनाबेन हंसाबेन नाम है, 5 साल से उन्होंने NDA शुरू किया और 5 साल से डॉक्टर के पास नहीं गई, यानी कि जब से NDA शुरू किया डॉक्टर और दवाइयां बंद हो गया। हाँ आगे। हाँ ये बुलेट प्रूफ जैकेट है NDA से ना। हाँ जी हाँ, मेरा भाई है बड़ा, मुझसे 5-6 साल बड़ा है, उसको कोरोना हुआ, दूसरी लहर आई थी ना जब, तब तो डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि बचने का कोई चांस नहीं है, फिर भी इंजेक्शन देने के बाद थोड़ा थोड़ा टाइम हॉस्पिटल में दाखिल रहे, और पैरालिसिस हो गया उसको आधा बॉडी में, एक हाथ एक पैर आधा बॉडी में, और वो सब सुबह की क्रिया सब बेड पर ही थी, फिर वो हिलचल नहीं सकते थे। तो मैंने भैया को बोला कि भैया तेरे को उठना है, तो मैं कहूँ वैसा करो, तो भैया ने बोला हाँ मुझे को अच्छा होना है, और डॉक्टर ने बोला था कि ये खड़े हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कब हो पाएंगे, उसका कुछ नक्की नहीं है, अब सेवा करो घर को। मैंने 2 टाइम इनिमा दिलवाया, और पूरा दिन खाना बंद ऐसा करके मेरे भाई 15 दिन में खड़े हो गए। देखो कोरोना वाले, हाँ हाँ 15 दिन में वो खड़े हो गए, हॉल में बैठ सकते थे, और 1 महीने में तो वो चलने फिरने लगे अकेले, जो डॉक्टर ने बोला था कि आप नहीं चल सकोगे कभी, वो चलने फिरने लगे, और अब तो हरिद्वार गोवा सब जगह घूमने जाते हैं, एक्सरसाइज करते, अब तो बहुत अच्छे हो गए हैं भैया, कोई परेशानी नहीं है, इसलिए NDS करो आप, कोई ऐसी बहुत बीमारी आए इसका इंतजार मत करो, ये NDS शुरू कर दो।
बहुत अच्छा है एनडीए सर का, तो मैं आभारी हूँ मैं सर की, ये रास्ता हमको दिखाया है सर ने। तो हिनाबेन का कहना ऐसा है कि फॉलो एनडीएस, डोंट वेट फॉर डिजीज, डू और डाई, आस्क नॉट व्हाई। ओके, धन्यवाद। हमें खुद को बुलंद बनाना है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना है। हाँ, किसी ने बताया है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा ही पूछे कि बोल बंदा तेरी रजा क्या है। ऐसा हमें खुद को बुलंद बनाना है। कोई गुरु हमें बुलंद नहीं बना सकेगा, कोई डॉक्टर, वैद्य, कोई चिकित्सक हमारे रोग ठीक नहीं कर पाएंगे। जो भी कर सकेंगे हम कर सकेंगे, खुद को करना है। लेकिन आज हम इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि कुछ भी हो, हाँ, डॉक्टर के पास, वैद्यों के पास चले जाते हैं, गुरुओं के पास चले जाते हैं, कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता। हम ही है जो हमारा कल्याण कर सकते हैं। भगवान ने हमें इतनी ताकत दी है, शक्ति दी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? यदि आप चाहते हैं तो हम आपको डॉक्टर बना सकते हैं। आधे घंटे में आप डॉक्टर बन जाएंगे, और रियल डॉक्टर, जो खुद के डॉक्टर, खुद के रोग हटा सकें, और दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी हो और रोग कोई भी हो हटा सकें।